हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्सेस्ड फूडी। सॉरी मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, बट आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक ऑनेस्ट रिव्यू टाइप वीडियो होगा, फूड वीडियो तो नहीं है, बट ये एक लिपस्टिक के बारे में। रिसेंटली मुझे जीपे से एक कूपन कोड मिला था, जिसमें एक कूपन था टू बाई लिपस्टिक्स फ्रॉम जस्ट हर्ब्स ब्रांड। उसमें मिनी लिपस्टिक किट मिल रहा था, उसमें 16 शेड्स थे। मैंने वो लिपस्टिक किट परचेज़ किया, मुझे लगा कि देखते हैं ट्राई करने में क्या जाता है। 279 में मिल रहा था, तो ये है वो लिपस्टिक किट, आप देख सकते हो, जस्ट हर्ब्स का। जब ये मुझे रिसीव हुआ तो मुझे समझ भी नहीं आया कि इसके अंदर 16 लिपस्टिक्स कैसे हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही मिनी माइक्रो मिनी साइज़ है। तो मैं थोड़ा इसके लिए अमेज्ड और सरप्राइज्ड थी। ये है पैकेजिंग पूरा, ये इस पर 575 लिखा है, बट ये जीपे में मुझे कूपन कोड मिला था, सो 275। अब इसके इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस पर लिखा है पैराबिन फ्री, 100% नेचुरल एक्टिव्स, क्रुएल्टी फ्री, हर्ब एनरिच्ड आयुर्वेदिक लिपस्टिक, माइक्रो मिनी किट यहाँ पर लिखा है। सो ये मैंने नहीं देखा था, अभी देख रही हूँ, सॉरी। 16 शेड्स एंड यहाँ पे लिखते हैं इसे कि ये हाईली पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, होलसम आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही छोटे छोटे लिखे हुए हैं, बहुत कुछ है, बट सब कुछ आयुर्वेदिक ही दिखाई दे रहा है। कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें कुछ ग्लाइकॉल कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट दे आर मिनिमम। मोस्टली इसमें आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, एवोकाडो, ये वो बहुत कुछ है, जोजोबा, ये सब दिख रहा है इसमें। सो लेट्स सी ये बना कहाँ है। ये बना है मोहाली पंजाब में, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। एक्सपायरी डेट है फ्रॉम 3 ईयर्स फ्रॉम द पैकेजिंग। तो ये मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ऐसा है छोटे छोटे लिपस्टिक्स, सो ये है। सो ये है कलर, ये मैंने शेड निकाला है 08 मार्गी रोज़ ब्राउन कलर है ये। काफ़ी छोटा है, इतना छोटा लिपस्टिक, ऐसा लग रहा है ये बच्चों का है। बड़े कैसे यूज़ करेंगे ये, तो यूज़ करेंगे तो टूट ही जाएगा मुझे लगता है हमारे हाथों से। तो ये दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ये सो इसी तरह के हैं, और भी बहुत सारे शेड्स हैं, मैंने तो देखा नहीं है अभी तक। मोस्टली शेड्स जो हैं रेड और ब्राउन कैटेगरी में ही हैं, जो भी मुझे शेड दिख रहा है रेड ब्राउन पिंक कैटेगरी का है मोस्टली शेड्स। ओके, सो दिस इज द वन। मैं आपको लगा कर बताऊंगी कि ये कैसा लग रहा है आफ्टर लगाने के बाद। एक शेड अप्लाई करके तो देखना पड़ेगा, तभी हमें ऑनेस्टली पता चलेगा। और इसको करीब 8 आवर्स में यूज़ करूँगी ऑफिस वेयर में, मैं ये इसको पहन के जाऊँगी, लगा कर जाऊँगी इस लिपस्टिक को। देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है वो ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि मैं उसमें खाऊंगी पीऊंगी, तो ओवरऑल मुझे पता चलेगा कि कितना स्टे करता है, क्या परफॉर्मेंस है इसका, और ये बड़ा पैक लेने लायक है या नहीं। क्योंकि बड़ा पैक बहुत ही एक्सपेंसिव है इसका, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल फार्मूला जो इसमें यूज़ कर रहे हैं, वो आयुर्वेदिक चीज़ें, उसकी वजह से काफ़ी कॉस्टली है। सो लेट मी सी आफ्टर यूज़, फिर मैं आपको बताती हूँ आकर वापस से कि कैसा है ये। So here I'm applying the dark mauve shade. You can see the color. अच्छा है, dark है, pigmented है, nice one. So yesterday मैंने जस्ट हर्ब्स का एक शेड 6 to 7 hours के लिए ट्राई किया था। मैंने उसी में खाया पिया सब कुछ किया, बट उसका रिव्यू बोलूँ तो मैं, उसका पिगमेंटेशन अच्छा है, बट इट गेट्स लाइटर by the end of the day, but the quality of the lipstick, like it is very light on the lips,
बहुत ही मतलब मैट तो नहीं है, बट इट्स अ क्रीमी फॉर्मूला जो कि आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देता है, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट रखता है. सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू आई लाइक्ड इट. आज भी मैंने ये डीप रेड शेड उसी का पहना है. लेट्स सी कैसा रहता है ये भी. मुझे रहता है कि पिगमेंटेशन बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा लाइट होता है, बट द क्वालिटी इज रियली गुड. सो इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय. ओके, सो दिस वाज नॉट एनी प्रमोशनल वीडियो. ये मैं प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये जस्ट मैंने अपना पर्सनल व्यू दिया है क्योंकि मैंने ये बाय किया था. सो मैं इसका एक रिव्यू शेयर कर रही थी. रियली लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो. डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.